आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं ये होगा देशज तथा विदेशज का। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप इसके और भी पहले वाले पार्ट देखना चाहते हैं या फिर आप इनको एक टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं है मतलब कि जब तद्भव तत्सम में ये चैप्टर आता है, तद्भव तत्सम विदेशी देशज ये सारे सब एक ही में आते हैं और आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी का जिसमें इन चैप्टरों को काफ़ी कवर किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सेकेंड में और जिसका एग्जाम डेट यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि विदेशी नहीं है तो ये जो है एक कान है, कान विदेशी नहीं है। विदेशी का मतलब होता है विदेश में जन्मा। अगला है कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था और ये जो अलमारी शब्द है ना ये बहुत बार पूछा गया है। केवल अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात छोड़ दें तो और भी एग्जामों में अलमारी को कई बार पूछा गया है और कारण ये है कि यह एक पुर्तगाली शब्द है। इसके अलावा और भी पुर्तगाली शब्द है जैसे कि बाल्टी, अल्पीन, अलकतरा, ये जो सारे शब्द हैं ये सभी शब्द क्या हैं, पुर्तगाली हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, इनमें से कौन है जो कि विदेशी है। आपके ऑप्शन है मयूर, मील, बचन या फिर मध्य। सही उत्तर है मील। जो मील शब्द है यह एक विदेशी शब्द है और मील किसका मात्रक होता है तो इसी ये दूरी का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट, देखिए यहाँ पे 2 से 3 सेकंड मिल रहा है आपको ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। अखरोट है पस्तो। अखरोट क्या है, यह मूलतः एक पस्तो भाषा का शब्द है तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पस्तो। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक परीक्षा 15/2/2019 में। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज मतलब कि ऐसे शब्द जो कि विदेश में जन्मे हुए हों, तो इनमें से जो सही उत्तर अगर जापानी को आप रिक्शा को देखेंगे तो ये जापानी है, जूता को देखेंगे तो ये इंडियन है मतलब भारतीय है, देशज है, तेंदुआ भी देशज है और नाव भी देशज है। तो जो आपका सही उत्तर होगा ये जापानी वाला होगा यानी कि यह एक विदेशज शब्द है। देखिए यहाँ पे अगर जापानी उत्तर दिया होता तो जापानी ही आप ट्रिक करते क्योंकि यह एक जापानी शब्द है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में और ये इसका एग्जाम डेट है, ये सेकेंड शिफ्ट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ग्लास। ग्लास के अलावा अगर आप तंबाकू, कैंची, कुर्सी, वकील, आलपीन इन शब्दों को देखेंगे तो ये सारे विदेशी हैं। अगर पूछा जाए कि देसी शब्द बताइए जो देशज हैं तो देशज मतलब कि जो ज़्यादा पूछा गया है पगड़ी, ठेठ, कटोरा, ठुमरी, इसके बाद से कटरा, ये जो सारे शब्द हैं ये देशज हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। वही बात फिर से कि विदेशी शब्द कौन है ये बताइए। 2 सेकंड यहाँ पे है आपके पास। देखिए अगर आप पहले और दूसरे वाले को छोड़ दें तो मयूर और बचन ये दोनों देसी शब्द हैं। इसके अलावा अगर आप इन दोनों पर बात करेंगे तो मध्य भी देसी शब्द है यानी कि जो टिकट है, जो टिकट इस तरह लिखा जाता है, जो ये शब्द है ये बाहर से आया है और ये है विदेशज। ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। विदेशज शब्द इनमें से बताइए कि इनमें से कौन है जो कि विदेशज है। देखिए यहाँ पे सारे आपको विदेशज ही पूछे जा रहे हैं क्योंकि देशज पूछा जाएगा तो शायद आप बता दें, इसीलिए क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए पूछा जाता है। जूता, जीभ और वायु ये देशज है लेकिन जो चश्मा है ये क्या है, विदेशज है। अगला है कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है, बताना है कि नहीं है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। देखिए अगर इसमें आप इस्तीफा को देखेंगे तो ये फारसी नहीं है बल्कि ये अरबी है। क्या है, अरबी है यानी कि आपका सही उत्तर होगा इस्तीफा।
इसके अलावा कई सारे अरबी ऐसे शब्द हैं जिनको हम अपने बोलचाल में यूज करते हैं, जैसे कि तकिया, तकिया भी एक अरबी है, औरत, हमला, वारिस, ये जो सारे शब्द हैं ना ये अरबी हैं। अगला है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, फिर अगेन वही आपसे विदेशी शब्द पूछा गया है, बताइए। ये क्षेत्रीय युवा कल्याण में पूछा गया था, आप देख सकते हैं कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप आगे आने वाला जो भी यूपी ट्रिपल एसी का एग्जाम है उसके लिए आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा। देखिए अगर आपका ये सारी कंबाइंड वीडियो चाहिए तो आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, एप्लीकेशन में आपको PDF भी मिलता है, मतलब कि वहाँ आप पैसा दे करके कुछ हाई क्वालिटी के PDF बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ही वीडियो में 1000 से अधिक क्वेश्चन या फिर किसी में 10000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया था विदेशी और ये होगा अमीर, अमीर शब्द क्या है, विदेशी है। विदेशी शब्द इसमें भी बताना है, निद्रा, अचरज, आलमारी या फिर चबूतरा, ये है आलमारी। जो आलमारी शब्द है हमने आपको बताया था कि ये कहाँ का है, पुर्तगाली है, तो जब पुर्तगाली है भारतीय नहीं है तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक विदेशी हो गया। अगला है कि काजू का जो संबंध है, काजू जो संबंध शब्द है ये किस भाषा से है, कहाँ से आया है ये काजू, तुरंत कमेंट करके बताएं। ये है पुर्तगाली, काजू हो या फिर अलमारी हो ये सारे शब्द पुर्तगाली हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन पे बात करें तो ये क्वेश्चन अमीन में पूछा गया था और आयोग ने इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी को माना, मतलब आयोग ने कहा कि फ्रांसीसी है। तो अगर आप देखेंगे नई बुकों को जो नई रचनाएं हैं वहाँ पे काजू को पुर्तगाली ही लिखा गया है। अगला है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तुर्की का नहीं होना चाहिए, बस तुर्की को छोड़कर कुछ भी हो। देखिए बेगम, चेचक और बारूद ये तीनों तुर्की के हैं, तो हमें बताना था कि तुर्की का नहीं है, तो सही उत्तर होगा पैगंबर। लेकिन जब पैगंबर तुर्की का नहीं है तो एक ऐसा भाषा है, ये है अरबी, अरबी। ये क्वेश्चन लोअर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि कौन तुर्की का शब्द नहीं है, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन, कौन तुर्की का शब्द नहीं है, तो ये है डेरा, जो डेरा है ये तुर्की का शब्द नहीं है। तुर्की शब्द जैसे कि अब बावर्ची हो गया, दरोगा हो गया, बेगम हो गया, तो ये जो सारे शब्द है ना ये तुर्की हैं। अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है, ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में 23/12/18 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए तद्भव भी सही है, तत्सम भी सही है, यौगिक भी सही है और विदेशी भी सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यौगिक नहीं होता है, आपका तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज होता है लेकिन यौगिक नहीं होता है, और यही आपका उत्तर होगा क्योंकि बताना था कि गलत है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़, देखिए योग रूढ़ का मतलब ये होता है कि मतलब कि ये दो अलग अलग शब्द होते हैं और जब ये एक शब्द होता है ना तो इसका जो अर्थ निकलता है ये किसी तीसरे के बारे में बताता है, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर जिसका पेट बड़ा हो, तो लंबोदर कहने का मतलब हम क्या समझ लेते हैं, तुरंत गणेश। तो इस तरह के जो शब्द जो कि तीसरा अर्थ देते हैं उनको हम कहते हैं योग रूढ़, तो इनमें से कौन है जो कि योग रूढ़ है ये आप बताइए। यह है जलज, जलज मतलब कि हम बोलते हैं कमल को, जल जल में उगने वाला यानी कि कमल, ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, अगेन देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी हमने बताया कि जो जलज है ये योगरूढ़ है, यानी कि पंकज भी योगरूढ़ होगा और इनका मतलब होता है कमल। ये तीन तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये योगरूढ़ मतलब कि वही जिनका अर्थ विशेष हो जाता है, जैसे कि लंबोदर, जलज, और यौगिक मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ करके बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रयोग, साला, तो प्रयोग का अर्थ अलग है, साला का अर्थ अलग है। और एक होता है रूढ़ शब्द, तो रूढ़ में क्या होता है कि इनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है, जैसे कि अगर कोई कहे कि घर को तोड़िए, घर को तोड़कर बताइए कि क्या क्या लिखा जा सकता है, तो घर को हम नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि ये जो शब्द कहे जाएंगे इनको रूढ़ कहा जाएगा। अगला है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन है, देखिए वही फिर से पूछ लिया गया कि रूढ़ शब्द बताइए, रूढ़ शब्द वही होता है जिसको हम तोड़ ना पाए। देखिए दूध वाला को हम तोड़ लेंगे ना, दूध और वाला, घुड़सवार,
नाक को आप तोड़िए, नाक को आप नहीं तोड़ पाएंगे और यही आपका उत्तर होगा। लंबोदर योग रूढ़ है क्योंकि इसका जो अर्थ है ये होगा गणेश जी। ये क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था पहले शिफ्ट में। छायादार शब्द किसका उदाहरण है ये बताइए। छायादार शब्द है शंकर। देखिए होता क्या है कि जब दो भाषाओं का मेल करके एक शब्द बनाया जाए तो उन्हें हम शंकर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप रेलगाड़ी को देख लें, रेलगाड़ी तो रेल ऐसे लिखते हैं ना हम RAIL, तो ये एक इंग्लिश शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके एक शब्द बनाया गया है रेलगाड़ी। तो इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द। जिन शब्दों में दो भाषाओं का प्रयोग हो उन्हें हम संकर कहते हैं। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से भिखारी शब्द कौन सा है, भिखारी बताना है आपको। भिखारी शब्द की बात की गई है और ये है लड़का। देखिए अब भिखारी एक नया शब्द आ गया है, मतलब ये होता है ना कि जिन शब्दों के रूप का परिवर्तन होता रहता है वो कहलाते हैं भिखारी। जैसे कि लड़का का लड़की हो जाएगा, कुत्ता का कुत्ते मतलब कुत्ता का कुत्तो हो जाएगा। तो इस तरह जिनमें विकार होता है उनको हम भिखारी शब्द कहते हैं। लड़का का लड़को हम कह सकते हैं, तो ये भिखारी होगा। यह आबकारी परीक्षा में पूछा गया था। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं ये बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन कौन? पहला होता है भिखारी, दूसरा होता है अभिकारी। अभिकारी अगला है कि रेलगाड़ी शब्द बताइए। देखिए अभी हमने पिछले वाले में उदाहरण दिया था आपको रेलगाड़ी का यहाँ पे, और बताया था कि जो रेलगाड़ी है ये एक संकर शब्द है। कारण ये है कि यहाँ पे दो भाषाएं हैं इंग्लिश और हिंदी, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। ये है संकर शब्द। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन JEE UPSC में पूछा गया था और ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। तो आपके वीडियो देखने से यही बेनिफिट है कि आप अगले एग्जामों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप अगर ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सबको देख सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग के आधार पर आपने देखा दो होते हैं, अब बताना है कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं चार, प्रयोग के आधार पर दो, भिखारी और अभिखारी। अर्थ के आधार पर चार, कौन कौन? तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। एकार्थी मतलब एक अर्थ, अनेक अर्थ देने वाला, समान अर्थ देने वाला और विपरीत अर्थ देने वाला। ये होते हैं अर्थ के आधार पे शब्द का प्रकार चार। ये क्वेश्चन लोअर टू में पूछा गया था। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन, ये भी लालटेन, अलमारी, काजू, लोटा, टेढ़ा, ये सारे शब्द बहुत बार पूछे गए हैं और ये है विदेशज। ये क्या है? विदेशज है। अगला है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द वही मतलब कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे आपको हमने घर बताया था उसी तरह इसमें पंकज को आप तोड़ सकते हैं, पंख में उगने वाला, विद्याधनालय जल में उगने वाला, लेकिन कमल को आप नहीं तोड़ सकते हैं और इसीलिए हो जाएगा रूढ़। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। संकर शब्द का क्या अर्थ है? देखिए हमने संकर के बारे में आपको बताया था रेलगाड़ी। आप देख सकते हैं कि एक ही बात को किस तरह घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, और इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो वीडियो आप बना रहे हैं आपके लिए ये थोड़ा विस्तार में है, ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप परीक्षा में ना छोड़ें। दो भाषाओं का जब मेल होगा तो वहाँ पर हम होगा संकर, जैसे कि रेलगाड़ी। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? यहाँ पर बता दीजिए कि संकर शब्द कौन सा है। देखिए नारिकेल नहीं होगा, दोनों हिंदी है, लेकिन अगर चुगलखोर को आप देखेंगे ना तो जो चुगलखोर है ये दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ है, यानी कि संकर शब्द की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा चुगलखोर। ये आपका चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।